अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्कन है। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। कहते हैं द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच पार्टिकल फॉर्मिंग क्रिस्टल आर पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हेल्ड होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन अट्रैक्ट होके एक मतलब सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं जिसे हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है NaCl और KBr। इस तरह की और भी एग्जांपल हो सकती हैं, तो जिसमें ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हो और ग्रुप सेवन ए के मोस्टली एलिमेंट हो तो वो भी आयनिक सॉलिड बनाते हैं, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट जो है वो कैटायन बनाते हैं और ग्रुप सेवन ए के एलिमेंट जो है वो एनायन बनाते हैं। कैटायन और एनायन मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हेल्ड होकर एक सॉलिड बनाते हैं जिसे हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होती है कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैसेज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किस पे एग्जिस्ट करते हैं और वैसे किस पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। कहते हैं वेल फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप। ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं इनकी वेल फॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप होती है, थ्री डायमेंशनल इनका स्ट्रक्चर होता है और वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलकर एक जबरदस्त सॉलिड बनाते हैं जो कि बहुत रिजिड और हार्ड होते हैं। फिर इनकी बात करते हैं कि ये सॉलिड होते हैं, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर पे अगर हम इन्हें देखें तो ये सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl जिसे हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जब हम इसे देखें तो ये नॉर्मल स्टेट पे बिल्कुल सॉलिड होता है, नॉट लिक्विड और गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये कभी भी लिक्विड और गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि इनकी वेल फॉर्म ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है, तो ये सिर्फ लिक्विड में उसी वक्त जा सकते हैं जब हम इन्हें मेल्ट करें। फॉर एग्जाम्पल NaCl को हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर दें जिसकी वजह से ये मेल्ट हो जाए, फिर ये हम कह सकते हैं लिक्विड स्टेट में। लेकिन नॉर्मली ऑर्डिनरी और रूम टेम्परेचर पे कभी भी लिक्विड और गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। वेरी स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं, लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक, और इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। हमने बात की है कि आयनिक सॉलिड जो है इनमें आयनिक बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है जिसे ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए, और ये हाई एनर्जी नॉर्मल रूम टेम्परेचर से तोड़ नहीं सकता, तो इसकी वजह से ये हार्ड होते हैं और इनकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि उड़ने वगैरह, जिस तरह गैसियस होती हैं, गैसियस की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये स्ट्रांग होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, इसकी वजह से स्टेबल होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है इन्हें तोड़ने के लिए तो मेल्टिंग पॉइंट तब होता है जब ये ब्रेक सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में चला जाए, तो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इस वजह से जब ये हैं बहुत स्टेबल और ये बहुत हार्ड है और इनकी वोलेटिलिटी भी बहुत कम है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं रेडियस रेशियो की। कहते हैं दी स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है आयनिक क्रिस्टल का वो डिपेंड करता है रेडियस रेशियो ऑफ कैटायन और एनायन के। अब रेडियस रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस रेशियो फाइंड करते हैं सबसे ऊपर कैटायन की रेडियस लिखते हैं, उसके बाद एनायन का रेडियस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेडियस रेशियो फाइंड करनी है NaCl की। सोडियम आयन का जो है वो रेडियस होगा 95 पिकोमीटर और क्लोराइड आयन का जो रेडियस है वो होगा 181 पिकोमीटर। जब हम इसे रेडियस रेशियो के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें 0.525 रेडियस रेशियो निकलेगी। तो इस तरह हम, ये तो सिर्फ NaCl का रेडियस रेशियो फाइंड करने का तरीका है, इसके अलावा हम कई और भी आयनिक सॉलिड्स हैं जिनके हम रेडियस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये कंडक्ट कर ही नहीं सकते ना इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि फ्री आयंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं और बेसिकली कंडक्शन करते हैं या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं या आयंस कंडक्शन करते हैं। वो जो आयंस हैं वो तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं, तो वो कैसे मूव करेंगे और कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे।
लेकिन जब हम इसे मोल्टन स्टेट में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl को हम इतना गर्म करें कि ये मोल्टन स्टेट पे आ जाए, ये मोल्टन स्टेट पे जब आ जाएगा तो इसके फ्री सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो बिल्कुल फ्री फ्रीली होंगे, तो उस वक्त जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। तो इसका मतलब NaCl जो है ये मोल्टन स्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि फ्री सोडियम और क्लोराइड आयन एग्जिस्ट करते हैं, और फ्री सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब एक्वा स्टेट पे क्यों कंडक्ट करता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, NaCl को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो फ्री स्टेट में होते हैं, और वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी की। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम कम होता है, जिस तरह देखें डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होते हैं, वॉल्यूम थोड़ा कम होता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। आयनिक रिएक्शन, आयनिक सॉलिड जो है ये आयनिक सॉलिड होते हैं, इसकी वजह से ये आयनिक रिएक्शन करते हैं, और आयनिक रिएक्शन जो है ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, इसकी वजह से ये जो आयनिक सॉलिड है इनकी रिएक्शन जो है वो काफी फास्ट होते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन वैसे बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। अब इसकी एक और प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी आयनिक सॉलिड का। इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर में ऐसे होता है कि ऑपोजिट आयन जो है वो आमने सामने होते हैं, जिस तरह पॉजिटिव देखें वो नेगेटिव के सामने, नेगेटिव देखें पॉजिटिव के सामने, पॉजिटिव नेगेटिव के सामने, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने, पॉजिटिव नेगेटिव के सामने, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने। लेकिन ये तो होगी एक नॉर्मल स्टेट की बात, लेकिन जब हम इस पर थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो ये लेयर स्लिप होना शुरू हो जाती है, पैरेलली स्लिप होना शुरू हो जाती है। तो जब ये स्लिप होती है तो ऑपोजिट आयन तो सेम टाइप ऑफ आयन जो है वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, और ऑपोजिट आयन एक दूसरे से, जैसे यहाँ ऑपोजिट आयन सामने है ये चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाली लेयर हमने फोर्स एग्जर्ट की और ऊपर वाली लेयर स्लिप कर गई है। जब ऊपर वाली लेयर स्लिप कर गई है तो जो सेम टाइप ऑफ आयन है वो आमने सामने आ गए, जिस तरह पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के सामने आ गया, नेगेटिव जो है वो नेगेटिव के सामने आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने, नेगेटिव नेगेटिव के सामने, पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने। इस तरह ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो रिपल्शन बढ़ जाती है, और रिपल्शन की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर सही तरह मेंटेन नहीं रहता। तो ये है प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस, इसे हम कहते हैं ब्रिटलनेस, यानी कि जब हम किसी भी आयनिक सॉलिड पर फोर्स एग्जर्ट करें, और जब हम फोर्स एग्जर्ट करें और उसके नतीजे में और जो सेम टाइप ऑफ आयन है वो आमने सामने आते हैं और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ये था आज का हमारा टॉपिक आयनिक क्रिस्टल। हमने आयनिक सॉलिड पढ़ा, आयनिक सॉलिड की एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल के बाद हमने उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।